अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद अख्तर खान। हाल ही में हमारे एक बॉक्सर हैं मोहम्मद वसीम, दुबई के अंदर टूर्नामेंट जीत के आए हैं माशाल्लाह से, और हम उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन अफसोसनाक खबर वही जो हमेशा की तरह होती है कि पाकिस्तान में सिर्फ एक स्पोर्ट एग्जिस्ट करता है, सबको पता होना चाहिए, क्रिकेट। क्रिकेट के अलावा पाकिस्तान में कोई स्पोर्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। स्पोर्ट एक्टिविटीज के नाम पे ड्रामे रचाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन कोई स्पोर्ट की बूस्टिंग या आप कहें उसका रिवाइव के ऊपर कोई काम नहीं है। जाहिर है सारा बजट जो है आपका स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स के नाम पे सिर्फ क्रिकेट को चला जाता है। क्रिकेट के क्रिकेटर्स को इतना ज्यादा चला जाता है, इतना ज्यादा चला जाता है कि वो इतना कमा लेते हैं कि अपना बीवी बच्चों के साथ आपको कहीं दुबई में नजर आएंगे, मलेशिया में नजर आएंगे, कनाडा में, अमेरिका में, इधर उधर नजर आएंगे। यार अल्लाह को मानो यार, कुछ अपने पड़ोसी मुल्क से ही सीख लो। करप्शन वहां पे भी बहुत ज्यादा है, वहां पे भी करप्ट गवर्नमेंट्स आती हैं, वहां पे भी हमारे मिजाज के कुछ लोग होते हैं, लेकिन वहां कुछ सतह पर बहुत जबरदस्त काम होते हैं और हो रहे हैं। उन्होंने अपने दूसरे स्पोर्ट्स को इतना रिवाइव किया कि आज ओलंपिक्स के अंदर दूसरे स्पोर्ट्स में भी वो गोल्ड मेडल जीत कर आते हैं। गोल्ड मेडल, जी हाँ, हम तो भाई अल्लाह माफ करे, वो बस हॉकी अगर ओलंपिक्स में से निकाल दो या और एक दो चीजों को निकाल दो, कांसी के ब्रॉन्ज मेडल, ये हमारी औकात है अल्लाह माफ करे कि हम इन मेडल्स वो भी बड़ी मुश्किल से अगर जीत लिया तो जीत लिया। तो कहने से मुराद ये है कि मोहम्मद वसीम को इस्तकबाल के लिए भी एयरपोर्ट पे कोई नहीं आया यार, अल्लाह का कोई बंदा नहीं आया, और बड़े अफसोस के साथ। लेकिन वसीम अकरम ने इस चीज को बहुत हाईलाइट किया और माजरत की पूरी कौम की तरफ से और पूरे स्पोर्ट्स सेक्टर की तरफ से। जाहिर है चलो किसी को, मैं कहता हूं, इस बात का एहसास हुआ, और फिर वसीम भाई के ट्वीट के पीछे पीछे फिर सबने अपनी दुब लगा ली। सही है, अगर वसीम भाई, वसीम अकरम नहीं बोलते तो फिर कोई भी नहीं बोलता। खैर, लेकिन मोहम्मद वसीम से पहले मेहरुल्ला, उनका क्या पुरसाने हाल नहीं, लियारी का मोस्ट टैलेंटेड बॉक्सर, वर्ल्ड क्लास बॉक्सर, क्या नाश्ते में दो पापे खा लिए, फ्रूटों का जूस पी लिया, डब्बा पी लिया, यार ये आपने मतलब यार सरासर जुल्म है, इतना बड़ा जुल्म है ना पाकिस्तान में। वो बकौल मौलाना तारिक अली साहब के कि पाकिस्तान में जुल्म का लफ्ज भी छोटा पड़ जाता है, यानी जुल्म से भी बढ़कर कोई चीज है वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है। यानी कोई पुरसाने हाल नहीं है यार दूसरे स्पोर्ट्स का। फिर आप बोलते हो कि पाकिस्तान को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में यहां होना चाहिए, वहां होना चाहिए, सारा जब क्रिकेट के पेट में भर दोगे जहां करप्शन है, स्पॉट फिक्सिंग है, मैच फिक्सिंग है, खिलाड़ियों को मस्तियां लगी हुई है, मटर गश्तियां कर रहे हैं अपनी बीवियों के साथ हैं, इधर उधर घूमते फिरते हुए नजर आते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे, अरे घूमो फिरो यार, तुम्हें मना नहीं किया है, लेकिन इतनी ज्यादा जरूरत से ज्यादा आप मरात हैं और जो है कंपनसेशन वगैरह और इतना सब कुछ जब देंगे तो बदहजमी तो होगी, सिंपल एज दैट। तो बॉक्सिंग के साथ ना इंसाफी है, बैडमिंटन के साथ ना इंसाफी है, स्क्वाश के साथ ना इंसाफी है, हॉकी के साथ ना इंसाफी है, रेसलिंग के साथ, ताइक्वांडो के साथ ना इंसाफी है। कितने गेम्स गिनवाऊं मैं, कितने स्पोर्ट्स गिनवाऊं, कुछ भी नहीं हो रहा पाकिस्तान में, सॉरी टू से। और ये स्टेप अप करना होगा हमारे क्रिकेटर्स को ही। मैंने जैसे कि अपनी पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि इंडिया के अंदर सौरभ गंगुली, विराट कोहली, एमएस धोनी, प्रो कबड्डी लीग है उनकी, हॉकी लीग है, फुटबॉल लीग है, हर चीज में वो बूस्ट करते हैं। मुकेश अंबानी की वाइफ, मुकेश अंबानी, ये लोग सब मिलके करते हैं। हमारे यहां कौन करता है? जिसको देखो क्रिकेटर को ही अपने सर का ताज बना लेता है, कंधे पे बैठा लेता है। हाँ ठीक है यार, रिस्पेक्ट ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें नाइंसाफी की तरफ जा रही है, एक गलत चीज को रेस कर रही हैं। इमरान खान साहब खुद एथलीट होके, क्रिकेटर होके, मेरा तो समझ नहीं आता। देखें एक बात याद रखिएगा, कोई भी लेजेंडरी क्रिकेटर वो रेवोल्यूशन, जरूरी नहीं कि वो रेवोल्यूशन भी लेकर आए। इमरान खान साहब से कोई तवक्का नहीं कीजिएगा आप लोग, जो वो बुनियादी काम नहीं कर रहे, ये क्या खाक करेंगे, क्रिकेट को भी बर्बाद कर दिया उन्होंने तो। आके आप देखें, अपना मनपसंद बंदा एहसान मानी बिठाया, क्या तीर मार लिया। तो कहने से मुराद मेरी, सॉरी, बात कहां से कहां चलेगी। मोहम्मद वसीम सर, बहुत माजरत कि हम वो कौम नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या हमारे यहां वो इंतजामिया नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मतलब आपको एयरपोर्ट पे और कंधे पे बिठा के और जो है पूरा जुलूस निकालें, जलसा निकालें। सिर्फ क्रिकेटर, आप अगर क्रिकेटर होते तो आप फिर बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत होते।
हमारे इस स्पोर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और राइट हैंड साइड पे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस बर वक्त मिल सकें।